नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। आइए, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं बना रही हूँ गुजराती स्टाइल का मिर्ची का अचार, जो कि मैं बहुत कम सामान में और बहुत टेस्टी ये अचार बन के तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बना रही हूँ। मिर्ची ली हूँ मैं 1 पाव 250 ग्राम है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी कुटा पिसा भुना हुआ ये धनिया पाउडर है, लाल कश्मीरी लाल मिर्च है, जीरे कच्चे जीरे का पाउडर है, शुगर है, नहीं शुगर ये है नमक, और नमक ये नमक शुगर, और ये है अमचूर पाउडर, और ये है बघार के लिए जीरा, और हींग ये है, ये हींग है, और थोड़ा सा रोस्टेड जो है हमने रखा है मूंगफली छिलके सहित। इसको हम छिलके सहित पीस के ही दरदरा पीस के, और ये लास्ट में डलता है। तो दोस्तों चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाइया चढ़ा दी, कढ़ाई हमें चढ़ा दी हूँ, और इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी, बहुत कम तेल में और बहुत अच्छा, और थोड़ी सी मैं 2 चम्मच दही डालूंगी इसको इसमें, तो बहुत अच्छा अचार मिर्ची की सब्जी बन के तैयार हो जाती है। सॉरी, अचार बोल रही हूँ, मिर्ची की सब्जी बन के तैयार होती है। आज हम बनाएंगे गुजराती स्टाइल में मिर्ची की सब्जी। तो चलिए ये देखिए, कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है, और अब हम बनाएंगे तेल डालते हैं, पर मैं इसको घी से बनाऊंगी। घी से बनाने से क्या होगा कि थोड़ा सा जो इसका तेज है, मिर्ची की तेजी, वो कम हो जाएगी। बीज भी हम चढ़ा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैं घी डाल के और बनाती हूँ। 1 चम्मच इसमें टोटल 1 चम्मच ही घी लगेगा। घी हमने डाल दिया है, और घी डाल के हमने एक घी थोड़ा सा गर्म होगा तो जीरा और हींग का हम तड़का लगाएंगे, और फिर हम मसाले को डालेंगे। मसाला भुन जाएगा, उसमें थोड़ी सी दही डाल के इसको भुनेंगे, और फिर हम आपको बना के दिखाते हैं गुजराती स्टाइल मिर्ची की सब्जी। हींग जीरा डाली मैं, उसके बाद में ये मसाला डाली हूँ सारे जो रखी थी मैं। इसमें भुना और कुटा वाला धनिया है, कच्चे जीरे का पाउडर है, हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सब डाल के मैं इसको थोड़ा सा भून ली। अब मैं इसमें डालूंगी मिर्च को। मिर्च मैंने डाल दिया है। अब इस मिर्च के साथ ही मुझे डालना पड़ेगा नमक, तो नमक भी मैं डाल के और दिखाती हूँ। ये नमक डाल दी मैं, नमक डाल के इसको ढक के, नमक थोड़ा सा पानी छोड़ेगा तो मिर्ची मेरी थोड़ी सी पकेगी। तो चलिए, और थोड़ा सा हमें पानी इसमें सींचना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको करके दिखाती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून ही है, बल्कि 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही है दही। दही से क्या होगा कि जो तेज़ी है उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। गुजरात में अक्सर दही डालते हैं, तो मैं थोड़ी सी दही भी डाल दूँ, और इसको दही को एकदम सूखा होते तक मैं भूनूंगी। अब इसी दही को धो के जितना पानी होगा 1 चम्मच वही डालूंगी। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं 1 आधी चम्मच पानी डाली हूँ दही का, वो धो के बर्तन को। तो देखिए इसमें अच्छे से पक रहा है। पकने के बाद मैं इसमें और चीज़ डालूंगी। देखिए दोस्तों, अब इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ। 1 चम्मच शक्कर है, और 1 चम्मच ही है अमचूर पाउडर। इसको डाल के हम पकने देंगे, ताकि इसकी मिर्ची जो है तेज़ी थोड़ी सी कम हो जाएगी दही और ये। फिर आखिरी में हम डालेंगे दरदरा पीस के रखे हैं हम, इसको ढक देते हैं। देखिए दोस्तों, मिर्ची बहुत अच्छे से पक रही है। अब सबसे लास्ट में हम डालेंगे भून के जो रखे हैं छिलके सहित मूंगफली को भुने हैं, और छिलके सही थी, मैं हल्का दरदरा उसको पीस ली हूँ, तो आखिरी में मैं इसको डालूँ। देखिए दोस्तों, मेरी मिर्ची की सब्ज़ी बहुत अच्छी पक रही है, और मैंने दरदरा जो पीस के रखा है इसको मूंगफली को छिलके सहित, बहुत टेस्टी होता है ये। इसको मैं जब ये पक जाएगा तो ऊपर से डालूँगी। थोड़ी सी हरी धनिया भी कटी रखी थी, तो उसको मैं डाल दूँ इसमें। इसका पूरा पानी मैं सुखाऊँगी और पकेगा, फिर मैं डाल के और दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। इसमें कड़वाहट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमने शुगर और वो डाला है अमचूर पाउडर और दही, तो कड़वाहट एकदम कम हो गई है इसकी। और तो मैं जब डिश आउट करूँगी, इसमें मैं डाल रही हूँ ये मूँगफली का, भुना मूँगफली का पाउडर। अब इसको डाल के और थोड़ी देर और पकने दूंगी, फिर बंद कर।
देखिए दोस्तों, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मेरे मिर्ची की सब्जी बनके तैयार हो गई, मिर्ची सब्जी गुजराती स्टाइल। दोस्तों गुजराती स्टाइल मेरी मिर्ची की सब्जी बनके तैयार हो गई, बहुत सी टेस्टी बनी है ये। इसे बनाइए, खाइए और मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। ये है मेरी मिर्ची की सब्जी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।